स्टूडेंट, क्लास 8 एसएसटी में हमारी हिस्ट्री की बुक का थर्ड चैप्टर चल रहा था, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, जिसके अंतर्गत हम देख रहे थे कि किस प्रकार से ब्रिटिश जो हमारे यहाँ व्यापार के उद्देश्य से आए थे और उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों पर अपना कब्जा शुरू किया था और अपना शासन के साथ साथ उन्होंने हमारे जो खेती हर जो भूमि थी उस पर अपना अधिकार जमाना शुरू किया था और राजस्व वसूलने के तरीके उन्होंने नए नए ढूंढना शुरू किया था, जिसमें हमने स्थाई बंदोबस्त और रियाती मूल्य व्यवस्था के बारे में हमने पिछले लेक्चर तक पढ़ा था। यूरोप की फसलों की बातों के अंदर आ रही थी कि वहाँ पर जो प्रिंट्स और कलर पसंद किए जाते थे उसके अंदर चटकदार नीले रंगों का प्रयोग होता था जो कि नील के पौधे से बनाया जाता था। और भारतीय नील की मांग यूरोप कंट्रीज़ में क्यों बढ़ती जा रही थी, क्योंकि पहले जो कि बताया था मैंने आपको कि केवल 25% जो था नील का प्रोडक्शन इंडिया से बाहर जाता था और धीरे धीरे 18वीं शताब्दी के अंत में जो है भारत की नील की मांग जो थी ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अब आता है कि भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी के क्या कारण थे। जब यूरोप के अंदर नील की मांग बढ़ती चली गई तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के अंदर किस तरह से नील की खेती की जाए उसके रास्ता ढूंढना प्रारंभ कर दिया था। 18वीं शताब्दी के आखिरी के दशक में बंगाल के कुछ क्षेत्रों में नील की खेती बहुत तेज़ी से फैलने लग गई थी और भारत की नील पूरे दुनिया के बाजारों पर छाने लगी। 1788 ईस्वी में ब्रिटेन से आयात होने वाली नील में भारत का हिस्सा केवल 30% था, जो कि बढ़कर 1810 के अंदर 95% तक पहुंच गया था। यानी कि जहां इतनी सी नील भारत से आयात की जाती थी, अब जो यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर ब्रिटेन में जो आयात होता है उस पर लगभग पूरा हिस्सा ही भारत से जाने लगा था। जैसे जैसे नील का व्यापार फैलने लगा, सभी लोगों को जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी के थे या इंग्लैंड के थे, उन व्यापारिक एजेंटों को नील के उत्पादन में पैसा कमाने की इच्छा जागृत होने लगी और समय बढ़ते हुए अधिकारियों ने अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां तक छोड़ दी। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड इंग्लैंड में बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने अपने अपने नील के बागान खरीदे और नील की पैदावार करना शुरू किया। उनके पास नील की पैदावार के लिए बहुत अधिक पैसा नहीं था, इसलिए उन्होंने कंपनी और नए नए बैंकों से कर्जे लेने के लिए भी तैयार होने लगे। नील की खेती कैसे होती है, दो प्रकार से हुआ करती थी इसके तरीके। एक तो होती थी नीच खेती और दूसरी होती थी रैयती खेती। नीच खेती की व्यवस्था में बागान के जो मालिक होते थे वो खुद ही अपनी जो जमीन होती थी उस पर उत्पादन कार्य किया करते थे या फिर जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पे ले लेते थे और मजदूरों से काम पे लगवा कर नील की खेती किया करते थे। लेकिन नीच खेती करने में जहाँ पर अपना बागान है तो एक बागान के अंदर काम कराने के लिए बहुत सारे फसलों को उगाने के लिए मोटी रकम की ज़रूरत होती थी, साथ में आपको बहुत सारे हलों की ज़रूरत होती थी, काम करने वाले मजदूरों की ज़रूरत होती थी, उपजाऊ भूमि की ज़रूरत होती थी, तो कई समस्याएँ आने लगी। उसमें ये समस्याएं सबसे महत्वपूर्ण थी कि नील की खेती केवल उपजाऊ ज़मीनों पर की जा सकती थी और ऐसी ज़मीनें जो थी वो ज़्यादातर छोटे छोटे खेतों जो उनके पास हाथ लगे थे उन पे नहीं की जा सकती थी, उनके लिए उनको बड़े भूखंड चाहिए थे। अब उनके लिए पैसा कहाँ से आए, तो नील की फैक्ट्रियों के इर्द गिर्द पट्टे की ज़मीन उन्होंने लेने के प्रयास किए, किसानों को वहाँ से हटाया और जब उनको हटाया तो टकराव की स्थितियाँ पैदा होने लगी। मज़दूरों का इंतजाम करना भी कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि इनकी खेती करने के लिए बड़े भूखंडों पर बहुत सारे मज़दूरों की आवश्यकता होती थी और जब मज़दूरों की आवश्यकता होती थी उसी टाइम भारत के जो मज़दूर थे वो अपनी धान की खेती में व्यस्त रहते थे, इस कारण से उन्हें आसानी से मज़दूर भी उपलब्ध नहीं हो पाते थे। बड़े पैमाने पर नीच खेती के लिए उन्हें हल और बैलों की भी ज़रूरत होती थी। एक बीघा खेती करने के लिए दो हल होने जरूरी होते थे, इसका मतलब था अगर किसी किसान किसी भी बागान मालिक के पास अगर 1000 बीघा है तो उसे 2000 हलों की ज़रूरत होती थी। हलों को खरीदना, उनका रखरखाव करना आसान नहीं था। इन सब चीज़ों की ज़रूरत के लिए उनको किसानों को अपनी धान की खेती के लिए उस टाइम हल चाहिए होते थे, तो ये चीज़ें उन्हें आसानी से नहीं मिल पाती थी। ठीक है, अब आता है 19वीं शताब्दी की आखिरी में बागान मालिक नीच खेती के क्षेत्रफल को फैलाने में हिचकचाने लगे। इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार की 25% से भी कम ज़मीन आती थी, बाकी ज़मीन जो थी रैयती व्यवस्था के अंतर्गत ही आती थी।
बीघा जमीन क्या होती है? बीघा जमीन मैं बता देती हूँ, जमीन का एक माप होता है जिसको बीघे में नापा जाता है। ब्रिटिश शासन से पहले बीघे के आकार अलग अलग होता था। बंगाल में अंग्रेजों ने इसका क्षेत्रफल करीब 1/3 एकड़ तय कर रखा था। फिर आती है हमारी कि जो हमारी रेती जमीनों पर नील की खेती होती थी। रेती व्यवस्था के अंदर क्या करते थे, बगान मालिक रेयतों के साथ अनुबंध कर लेते थे। कई बार वे गांव के मुखिया से रेयतों की तरफ से समझौता करने के लिए उनको बाध्य भी कर दिया जाता था। अब अनुबंध पे दस्तखत करने के बाद उन्हें नील उगाने पर कम ब्याज दरों पर बगान मालिकों को नगद कर्जा मिल जाता था। कर्जा लेने में रेयतों को कम से कम 25% जो फसल उगाते थे उस पर, जो उस पर जमीन पर उसको 25% पर उनको नील की खेती करनी पड़ती थी। उनके लिए उनको बीज है, उपकरण है, ये लोग प्रोवाइड कराते थे। जब कोई मिट्टी तैयार हो जाती थी तो उस पर बीज बोना, फसल की देखभाल करना काश्तकारों के ऊपर होता था, यानी बाकी सब काम उनको खुद को करने पड़ते थे। और जब कटाई होती थी तो फसल बागान मालिक को सौंप दी जाती थी तो रेत अपना नया कर्जा उनसे ले लेते थे और ये चक्र दोबारा चलने लग जाता था। किसान इस तरह कर्ज की ओर आकर्षित होते गए, लेकिन जल्दी उनको ये समझने आने लगा कि हम इस चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं, ये व्यवस्था बहुत कठोर है। उनको जो नील की कीमतें मिलती थी वह भी बहुत कम होती थी और कर्जों का सिलसिला उनका ख़त्म ही नहीं होता था और वे कर्ज की दलदल में फंसते जा रहे थे। समस्याएं और भी थी। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों पर नील की खेती करें, लेकिन नील के साथ परेशानी ये थी कि नील की जहाँ खेती की जाती है तो नील के जो पौधा होता है उसकी जड़ें बहुत लंबी होती है और गहरी होती है और वह भूमि की जो उर्वरक क्षमता होती है उसको बहुत हद तक अपनी ओर खींच लेती है। नील की कटाई जब हो जाती है उसके बाद में अगर किसान चाहे कि उसके ऊपर धान की खेती कर ले तो उसकी उपजाऊ क्षमता जो होती वो ख़त्म हो जाती थी और वह भूमि बंजर हो जाती थी, उस पर धान की खेती नहीं की जा सकती थी। इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, आगे हम